खांसते हुए छींकते हुए पेशाब का निकल जाना या बूंद बूंद करके पेशाब का निकल आना, क्या ये बहुत बड़ी समस्या है? इसका क्या कारण है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये हमारी इनफर्टिलिटी का कारण है, हमारे माँ न बन पाने का कारण है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तो वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। महिलाओं के साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो किसी भी उम्र की हो सकती हैं, कम उम्र की लड़कियां भी हो सकती हैं और मेनोपोज तक, रजोवृद्धि तक पहुंची हुई महिलाएं भी हो सकती हैं। किसी भी एज ग्रुप में ऐसा हो सकता है। हमारे पास 15 ईयर्स 16 ईयर्स की लड़कियां आती हैं जो ये हमसे बताती हैं कि हमें मैम ऐसा लगता है जैसे हमारा पेशाब बूंद बूंद करके निकल रहा है। अगर हम खांसते हैं तो पेशाब निकल आता है, छींकते हैं उसमें पेशाब आ जाता है, तेज़ से हंसते हैं तो पेशाब निकल जाता है। महिलाएं बताती हैं जिनकी एक डिलीवरी हो चुकी है, वो महिलाएं बताती हैं कि मैम ऐसा लगता है जैसे शरीर बाहर निकल रहा है, बार बार बूंद बूंद करके पेशाब निकलता है, हर वक्त भारीपन सा लगा रहता है। वो महिलाएं बताती हैं जिनके मेनोपोज हो गए हैं, पीरियड आना बंद हो चुके हैं, वो महिलाएं भी हमें इसी तरह की कुछ कंप्लेंट बताती हैं। तो महिलाओं के बीच एक समस्या बहुत कॉमन है, पर महिलाएं छुपाती हैं, ये बात नहीं बताती हैं। यदि हम ओपीडी में पूछते हैं तब जा करके वो इस बात को बताती हैं। कम उम्र की लड़कियाँ इस बात को बिल्कुल शेयर नहीं करती हैं। सबसे पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण, कम उम्र की लड़कियों में यदि ऐसा हो रहा है, 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल की लड़कियों में यदि ऐसा हो रहा है तो कारण रहता है कॉन्स्टिपेशन। लगातार रहने वाला कॉन्स्टिपेशन आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को ढीला कर देता है। महिलाएं लड़कियां ताकत लगाती हैं तब स्टूल पास आउट होता है, तो उस कारण से उन बच्चियों में ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसे हम स्ट्रेस इनकंटिनेंस कहते हैं या स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। तो सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन। नंबर दो, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, एक बच्चा हो चुका है, उसके बाद ये दिक्कत हो रही है, तो कारण होता है लेबर पेन्स। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि डिलीवरी आपको अच्छी जगह पर करानी चाहिए, भले ही आपको 4 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़े लेकिन डिलीवरी सही जगह पर कराइए। यदि घर में डिलीवरी होती है, दाइयाँ डिलीवरी करती हैं, तब फिर वो बार बार दर्द लेने के लिए बोलती हैं कि पेन नहीं आ रहे हैं तो भी दर्द लो, आपको दर्द लेने हैं हर वक्त, बार बार दर्द लेने हैं। जब एक आप प्राइवेट सेक्टर में जा कर के डिलीवरी कराते हैं या आप किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा कर के डिलीवरी कराते हैं जहाँ सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तब आपसे ये बोला जाता है कि जब आपको लेबर पेन आए, जब आपको दर्द आए तभी ताकत लगाओ, जब दर्द ना आए तब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। लेकिन यदि डिलीवरी घर में हो रही है तो पता ही नहीं चल रहा है कब दर्द लेने हैं कब नहीं लेने हैं, तो उस कारण से हमारे पेल्विस की जो मसल हैं, पेल्विस फ्लोर की जो मसल्स हैं, वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। और जब उनकी अगली डिलीवरी होती है और पेशेंट को हम लेबर रूम में लेकर जाते हैं तब हम देखते हैं कि उनका ब्लैडर एकदम सामने आ रहा है, बच्चेदानी को सामने से ब्लैडर ने कवर कर रखा है, ढीला पड़ा हुआ ब्लैडर है। और पूछते हैं क्या लास्ट टाइम डिलीवरी कहाँ पर कराई थी, तो बोल देती हैं कि घर पर ही डिलीवरी हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, आधे घंटे में हमारी डिलीवरी हो गई थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन दिक्कत आपको बाद में नज़र आती है, उस दौरान दिक्कत नज़र नहीं आती है। तो ये सारी समस्याएं उस एज ग्रुप के साथ होती हैं जिनकी डिलीवरी हुई है। फिर आती है 40 साल 45 साल की उम्र की जो महिलाएँ होती हैं, उनमें मेनोपोज के कारण आपके जो हारमोन्स हैं उनके कारण उनका बार बार पेशाब निकल जाना, ईस्ट्रोजन के कारण, स्पेशली ईस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है। तो मेनोपोज वाली स्थिति में जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब ऐसा होना कॉमन है। तो क्या क्या मैंने आपको कारण बताया? कम उम्र की बच्चियों में जो कारण होता है वो कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। यंग महिलाओं में जो कारण होता है वो होता है उनके लेबर का। एंड नंबर तीन, जो महिलाओं में कारण होता है, जो 45 एज की जो महिलाएं होती हैं उनमें जो कारण होता है वो होता है मेनोपोज का, रजोवृद्धि का, पीरियड बंद हो चुकी। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपकी उम्र आगे बढ़ रही है तो ऐसा होना सामान्य है। ऐसे भी महिलाएं हैं जिनकी एज 50 है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। और ऐसी भी महिलाएं जिनकी एज केवल 30 है
लेकिन ऐसा उनके साथ हो रहा है, के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यदि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद कीगल एक्सरसाइज होती है। कीगल एक्सरसाइज आप गूगल पर देखें, यूट्यूब पर देखें और आप कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। आपका यदि वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, वेट गेन के कारण भी ऐसा हो जाता है, तो आपको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। यदि आप कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करती हैं, चाय, कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती हैं, सोडा वगैरह बहुत ज़्यादा पीती हैं, तो उसका इंटेक कम कर दीजिए। यदि अल्कोहल का इंटेक कोई कर रहा है तो उसको भी उनको कम कर देना चाहिए। पानी का इंटेक बढ़ा देना है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, फ्लॉक्सिटीन की टैबलेट आती हैं उनका इस्तेमाल करना है, ट्रॉपिकल ईस्ट्रोजन मार्केट में अवेलेबल है, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, इसके लिए पेसरीज भी होती हैं, तो बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दवाइयों में डलॉक्सिटीन है, ट्रॉपिकल ईस्ट्रोजन है, पेसरीज है, सर्जरी है, जिससे ये ठीक हो सकते हैं। यदि आप कीगल एक्सरसाइज हर दिन कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं, तो भी ये ठीक हो जाती है। उसके अलावा पानी का इंटेक बढ़ा देना है, कैफीन का इंटेक कम कर देना है, वज़न घटाना है, तो ये सारी चीज़ें भी इसको ठीक कर सकती हैं। अब ये डायरेक्ट आपकी इनफर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं करता है। इनफर्टिलिटी का मतलब है अंडे ना बनना, छोटे बनना, बड़े बनना, कम बनना, स्पर्म की क्वांटिटी का कम हो जाना, पस का कलेक्शन होना, या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई गड़बड़ी हो जाना, आपका ओव्यूलेशन ना होना, इम्प्लांटेशन ना होना। यदि ये सारी प्रॉब्लम रहती है तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं डालता, लेकिन इनडायरेक्टली ये हार्म करता है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।